मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर से विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर सांसद विधायक सहित कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की, जिसके संबंध में भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने बताया कि सामाजिक समरसता के प्रतीक मकर संक्रांति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सदर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके लिए जनपद वासियों की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रत्याशी घोषित किया गया है तथा मुख्यमंत्री के द्वारा सदर से चुनाव लड़ने पर प्रदेश में 80% सीटों पर जीत होगी तथा दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं इस अवसर पर कुशीनगर के सांसद विजय दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रत्याशी बनाए जाने पर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज सहित पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है तथा विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव जीतेंगे तथा महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा कि हम सबको बहुत ज्यादा खुशी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार जनपद से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तथा फिर से 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में अपने घर से वोट देने के लिए जरूर निकलें तथा व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पतंत्र जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया, यह गोरखपुर वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद से 5 बार सांसद तथा 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं तथा पूरे प्रदेश का विकास किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पतंत्र जैन, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व महापौर सत्या पांडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा बहुत खुशी की बात है और महाराज जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और जो भी उनके आगे आएगा उसका जमानत जब्त होना तय है। पूरे प्रदेश में 10 मार्च को ऐतिहासिक जीत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूज्य महाराज जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 10 मार्च की आज ही आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़े हर्ष की लहर है कि महाराज जी का जो है अनाउंसमेंट जो हुआ पहला अयोध्या से हुआ, लेकिन आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि गोरखपुर से ही महाराज जी को टिकट फाइनल हुआ है और यह सब गोरखपुर वासियों के लिए बड़े हर्ष की बात है। आज गोरखपुर 25 वर्षों से गोरखपुर महाराज जी की राजनीति कर रहे हैं, सांसद रहे और उसके बाद 5 वर्ष तक जो है इन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाल करके मुख्यमंत्री का कार्य किया और पूरे उत्तर प्रदेश में एक अच्छा साम्राज्य उन्होंने कायम किया है और जितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में शायद पिछली किसी सरकारों ने इतना विकास नहीं किया। और एक बार पुनः गोरखपुर से महाराज जी को टिकट मिल करके गोरखपुर वासियों का सम्मान बढ़ाया है और हम सब महाराज जी सिर पर चढ़ अकेला करें और लड़ेंगे, गोरखपुर की जनता की वासी लड़ेगी और पूर्ण ऐसा सफलता मिलेगा, ऐतिहासिक सफलता मिलेगी, हम सब ऐसी कामना करते हैं और हम सब उनके साथ हैं। एक बार पुनः विकास की गंगा बहेगी, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः योगी जी को प्रणाम करता हूं और शीर्ष नेताओं को प्रणाम करता हूं, कितना अच्छा उन्होंने निर्णय लिया। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जितना मकर संक्रांति की और गोरखनाथ आने की खुशी है उससे ज़्यादा हम लोगों को खुशी है कि महाराज जी फिर से यहाँ पहली बार यहाँ से विधायकी लड़ रहे हैं और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम लोग का विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? यही कहना चाहेंगे कि जितना जित सर से भी हो, जैसे भी हो,
हर तरह से सिर्फ गोरखनाथ और बाबा महाराज जी के अलावा किसी और को वोट बिल्कुल ना दें, वोट देने जरूर निकले घर से, खास करके हमारी महिलाएं बहनें, उन लोग जिनको आस्था है पूरे गोरखपुर के, जितना आस्था है चाहे हिंदू हो चाहे किसी का धर्म के हो, सबको उनके प्रति आस्था है, इसीलिए ज़रूरी है कि वो यहाँ से लड़े और बहुत हम लोग को खुशी है और जीत एकदम रिकॉर्ड भी जीत होगी उनकी। ये गोरखपुर के लिए सौभाग्य की बात है, हम लोगों के लिए भी। अपनी जमीन, अपनी बुनियाद गोरखपुर से ही प्रारंभ हुआ था। गोरखपुर के लोग दुखी थे कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, अब गोरखपुर के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, एक उत्साह का वातावरण है। महाराज जी को तो सिर्फ पर्चा दाखिल करके दस्तखत करना है, चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ेगी और ऐतिहासिक जीत के साथ विधानसभा लखनऊ में भेजेगी, जिससे गोरखपुर का सम्मान बढ़े और दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण गोरखपुर के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन करें। बहुत खुशी है, लोकतंत्र के महापर्व में मकर संक्रांति के आज पावन अवसर पर परम पूज्य महाराज जी को गोरखपुर सदर से प्रत्याशी बनाया गया है। हम गोरखपुर वासियों सहित पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो पूज्य महाराज जी की कर्मभूमि गोरखपुर है, यहाँ से उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। लगातार जो है कई बार यहाँ से सांसद रहे हैं और उन्होंने पूरे समाज की सेवा की है। निश्चित है गोरखपुर वासी जो है पूज्य महाराज श्री को बहुत बम्पर रोड से गोरखपुर से विजय श्री दिला करके फिर भेजने का कार्य करेंगे। देखा जाए आज मकर संक्रांति भी एक तरह से गोरखपुर के लिए बहुत बड़ी, तो निश्चित है यहाँ हमारे यहाँ पूर्वांचल का महापर्व है, बाबा गोरक्षनाथ जी को आज खिचड़ी चढ़ाई जाती है। आज ही देखिए पूज्य महाराज जी को गोरखपुर से प्रत्याशी बनाया गया है, यह बड़ी सौभाग्य की बात है। सामाजिक समरसता का प्रतीक मकर संक्रांति उत्सव पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं संपूर्ण देश की जनता को बधाई देता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ कि वह इस अवसर पर सामाजिक समरसता का परिचय देते हुए और देश में भाईचारा का माहौल कायम रखें। आज गोरखपुर नगर विधानसभा से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। मैं गोरखपुर की जनता के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड को बधाई देता हूँ कि गोरखपुर के जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप वो प्रत्याशी घोषित की है। कितनी खुशी है लोग देखिए, गोरखपुर की जनता तो सब की सब जनता प्रसन्न है और इसका राजनीतिक संदेश भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएगा। गोरखपुर में महाराज जी के चुनाव लड़ने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के 80% सीटों पर पुनः भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, ये सब इलाके में बहुत ही प्रसन्नता, एक ऊर्जा कि महाराज जी का इंतजार कर रहे थे हम लोग। भारी अंतर से हम लोग जीतेंगे और दोबारा महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते और आगे बढ़ेगा, इस पूरे हम लोग को विश्वास। धन्यवाद। गोरखपुर का एक एक नागरिक, गोरखपुर के एक एक कार्यकर्ता आज हर्षोल्लास के साथ खुशी मना रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास हुआ है, जिस प्रकार से कानून का राज स्थापित हुआ है और जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह लोग चाहते थे कि योगी जी हमारे वहाँ से चुनाव लड़ें, अयोध्या में अयोध्या के नागरिक चाहते थे, मथुरा में मथुरा के नागरिक चाहते थे, हर जगह से डिमांड आ रही थी। वहीं हम सबको इस बात की खुशी है कि आज जहाँ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश बाबा गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ा रहा है, वहीं गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की घोषणा गोरखपुर में चुनाव लड़ने की हुई है, गोरखपुर के सभी कार्यकर्ता बहुत ही खुशी हैं, यहाँ के आम नागरिक हर्षोल्लास मना रहे हैं और आज गोरखपुर में जगह जगह पर ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत हो रहा है। लोग, नागरिक अपने अपने घरों में आज दीपक जलाएंगे और मंदिरों में पूजा आरती होगी।